संगम नगरी प्रयागराज में आज अपने पितरों का तर्पण श्राद्ध पिंडदान करने के लिए संगम पर लोग सुबह से पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाकर तर्पण श्राद्ध पिंडदान कर रहे हैं। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व है और हर व्यक्ति को पितृपक्ष के दौरान अपने पूर्व की तीन पीढ़ियों पिता पितामह और प्रपितामह के साथ ही नाना नानी का भी श्राद्ध करना चाहिए। शास्त्रों में पितृपक्ष की अवधि को पितरों का सामूहिक मेला कहा जाता है। यह ऐसा समय होता है जब एक पक्ष यानी 15 दिनों के लिए पितृ पृथ्वीलोक पर आते हैं। ऐसे में इस समय परिजन अपने पितरों के निमित्त जो भी कार्य करते हैं या दान देते हैं वह उन्हें प्राप्त होता है। इसे प्राप्त कर पितृ तृप्त होकर अपने वंश को फलने फूलने का शुभाशीष देते हैं। पिता ही परमं तपः पितृ प्रतिमः पुण्ये प्रियन्ते पितृ देवता। आज के दिन हमारे पितरों का दिन शुरू हो जाता है तो 15 दिन बिना बुलाए हमारे यहाँ आ जाते हैं। हम जो कुछ घर में या तीर्थ में या कहीं जो कार्य करेंगे हमारे पिता हमारी माता जो नहीं है उन्हें देखते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं और उनके लिए आज हम जो भी काम करेंगे उन्हें वापस प्राप्त होती है। उसी के साथ हमारे परिवार का कल्याण होता है और प्रयाग में जो लोग आते हैं इस काम के लिए उनका तो उसका अनंत अनंत गुना फल प्राप्त होता है। ये संगम पर आकर के जो स्नान करना भी क्या बहुत स्नान करके शरीर को पोषण नहीं चाहिए। जो लोग तर्पण नहीं जानते करने के लिए नहीं करते हैं तो नहाने और अपने शरीर को न पोछे तो सिर से गिरे हुए जल कान से गिरे हुए जल हाथ से गिरे हुए जल ये जो जल है तुम्हारे देवता पितर मात पित और सभी लोग प्राप्त करते हैं वो भी तर्पण का ही एक अंग है। इसलिए अगर हम नहाए गंगा तो शरीर अपना न पोछे तो भी हमारे पिता प्रसन्न हो जाते हैं। जिनके पास कुछ भी नहीं करने के लिए एक पैसे नहीं है वो गंगा में हाथ खड़ा हो जाए इसे करके पिताजी हमारे कुछ भी नहीं आपको नहीं ऐसा कर दे तो उसका भी पिता का तर्पण प्रणाम पूरा हो जाता है और पिता प्रसन्न हो जाते हैं। प्रथम द्वार कहा जाता है और कैसे इसको करा जाता है? घर में आप जब गया जाने के सोचते हैं तो घर में पिंडा करते हैं, नाना घर में अच्छा छोड़ते हैं, अच्छा छोड़ते हैं, परिक्रमा करते हैं गाँव की। घर में पिंडदान करने के बाद फिर इलाहाबाद आते हैं, प्रयागराज में आकर के यहाँ पिंडदान करते हैं। यहाँ पिंडा करने के बाद फिर काशी जाते हैं, काशी में एक प्रसाद मोचन नाम का तीर्थ है वहाँ पिंडा करते हैं। उसके पश्चात जब हम जब गया जाएंगे रास्ते में पुलपुल नाम का तीर्थ है वहाँ पिंडा करेंगे। उसके पश्चात जब गया जाएंगे वहाँ पर कई जगह पिंडा करना होता है तो आदमी थक जाता है तो आह्वान करके सबका एक एक पिंडा करके अपने काम को अंत में वहाँ पर अक्षयवट के पास अंतिम पिंडा अक्षयवट के पास होता है उसे करके वहाँ पर एक अपनी मनोचित वस्तु छोड़नी पड़ती है। आज पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद पूर्णिमा से होती है और आश्विन अमावस्या के दिन समाप्त होती है, लेकिन सामान्यतः पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद पूर्णिमा के अगले दिन से यानी आश्विन माह की प्रतिपदा तिथि से मानी जाती है। ऐसे में आज 18 सितंबर 2024 से पितृपक्ष की शुरुआत हुई है और इसी दिन पितरों के निमित्त पहला श्राद्ध किया जा रहा है। पितृपक्ष की शुरुआत आज पहला श्राद्ध है, ऐसे में आश्विन शुक्ल की प्रतिपदा तिथि या आज से पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है और इसी दिन पितृपक्ष का पहला श्राद्ध किया जा रहा। इसे प्रतिपदा श्राद्ध को पड़वा श्राद्ध के भी नाम से जाना जाता है। प्रतिपदा तिथि 18 सितंबर को सुबह 8:04 से शुरू और 19 सितंबर सुबह 4:19 पर समाप्त होगी। वही प्रतिपदा श्राद्ध के लिए इस दिन सुबह 11:30 से दोपहर 3:30 तक का समय रहेगा, यानी अपराह्न काल की समाप्ति से पहले आप प्रतिपदा श्राद्ध संबंधी अनुष्ठान को पूरा कर लें। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि श्राद्ध कर्म कभी भी सूर्योदय से पूर्व और सूर्योदय के बाद नहीं करना चाहिए, हमेशा चढ़ते सूर्य के समय ही श्राद्ध या पिंडदान करना चाहिए। इसलिए सुबह 11:30 से लेकर दोपहर 3:30 तक के समय को श्राद्ध और पिंडदान के लिए अच्छा माना जाता है। इसके साथ ही श्राद्ध तर्पण या पिंडदान जैसे अनुष्ठान कुतुब रोहिण जैसे मुहूर्त में ही संपन्न करने चाहिए।